हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। यहाँ हमने 1 कप पोहा लिया है। इसमें हम 1 कप पानी डालकर थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद इसको धो लेंगे अच्छे से और छान लेंगे। आप देख सकते हो कितना गंदा, नीचे से वाइट वाइट पानी निकल रहा है। इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे। इसी तरह ये बिल्कुल हमारा पोहा साफ़ हो गया है। इसको हमने एक बाउल के अंदर डाल लिया है। यहाँ मैंने प्याज ली है जिसको चॉप कर लिया था, 3-4 हरी मिर्च है, हरा धनिया, और इसमें मैंने लाल वाली शिमला मिर्च ली है। आप चाहे तो इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, ये हमारे फास्ट में भी काम आ सकती है। यहाँ मैंने मूँगफली पीस ली थी, कच्ची मूँगफली थी वो डाली थी। अभी यहाँ हमने छोटे आलू है इसलिए 4 आलू लिए हैं, अगर बड़ा साइज हो तो 2 में हो जाएगा। इसको हम अच्छे से कस लेंगे और कसने के बाद इसको हम अपने इसी मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाजवाब और ये टेस्टी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप भी इस तरह से बनाइए। इसको आप फास्ट में भी यूज कर सकते हैं। फास्ट में इसमें थोड़ा हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर स्किप कर सकते हो आप अगर आप फास्ट में बना रहे हो। नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है हमने इसमें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हमने डाल लिया है, इससे इसमें बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होएगी। इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा स्मूथ सा इसका हम डो तैयार कर लेंगे। इससे हमें इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है और इसको हम फिर डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही लाजवाब और ये हमारा टेस्टी स्नैक्स बनता है और ये हेल्दी भी होता है पोहा। मैंने पोहे की एक रेसिपी और बनाई हुई है, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो चैनल पर है, आप देख सकते हो। उसमें हमने ऐसे बनाया हुआ है पोहा, इसलिए हम पोहे का स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। बहुत ही गजब और ये टेस्टी लगता है। इसको आप टी टाइम के समय बना सकते हो। बच्चे और बड़े काफ़ी अच्छे से इसको खाते हैं और बहुत ही लाजवाब हमारा ये बनता है। यहाँ हम 4 चीज़ वाली बनाएंगे, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। इसको हम 4 पीसेस कर और हर उसमें टिक्की में छोटी छोटी हमने जो टिक्की बनाई है ये उसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्के से प्रेस करेंगे और इसके अंदर ये चीज़ ऐसे करके चारों तरफ से इसको अंदर कर देंगे ताकि हमारा ये चीज़ बाहर ना आए जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अगर ये बाहर रह गया तो ये मेल्ट होकर निकलने लगेगा, इसलिए इसे अच्छे से हमें ढक देना है। इसके पूरे उस पे पार्ट पर हम इसको लगा देंगे अपने इसको मिश्रण को इस तरह से गोल करके, गोलाकार करके हम इसको बनाएंगे। आप चाहे तो शेप्स कोई सी भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है वो। इस तरह से आप बनाइए पोहे की रेसिपी और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे मेरे को पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और आप सबका जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहे और मुझे आगे बढ़ाइए। अभी हमने ऑयल यहाँ गरम करने रख दिया था, इनको हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सारी 1 बाय 1 करके हम इसमें डालते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। अभी इसको हमें डालने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट हमें इसको अल्टा पलटी नहीं करनी है। अगर अल्टा पलटी करी तो ये सारी टूट जाएगी और सारी हमारी ये टिक्कियाँ सारी ख़राब हो जाएगी अगर जल्दबाजी में इसको हम पलट देंगे।
इसलिए ध्यान रहे कि एकदम इनको नहीं पलटना है, नहीं तो आप ये कहेंगे कि ये तो हमारी तो सारी बिखर गई। इसलिए ध्यान रहे, इसको थोड़ा टाइम देकर ही पलटना है, तभी ये थोड़ा अच्छी और लाजवाब बनेगी। यहाँ हमने फोर्क की सहायता से पलट कर दिखाया है, आप फोर्क से भी पलट सकते हो और उससे भी आपके पास जो करछी वर्छी हो उससे भी आराम से पलटी जा सकती है। आप देख सकते हो कितना गजब का कलर निखर कर आया है, बहुत ही लाजवाब हमारी ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं। इस तरह से आप इनको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आप देख सकते हो कितने कमाल के हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। इसको आप ग्रीन चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।